हम ये जानते हैं कि वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करता है। हम रोज कई तरह के साउंड सुनते हैं। ऐसा क्या है जो उन्हें अलग करता है? अलग प्रकार के साउंड को क्या अलग करता है? ये फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड होते हैं। जो भी साउंड आप सुनते हैं उसमें कुछ एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप इनमें से किसी भी एक को बदलते हैं तो आपको एक अलग साउंड सुनाई देती है। इन टर्म्स का क्या मतलब होता है? एम्पलीट्यूड साउंड के लाउडनेस को निर्धारित करता है और फ्रीक्वेंसी साउंड के पिच को निर्धारित करती है। चलिए इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। किसी निश्चित समय में बार बार एक ही चीज के होने की संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलिए हम आपको एक आसान एग्जाम्पल देते हैं। यहां एक बस है जो इस बस स्टॉप पर हर 5 मिनट में आती है, तो हम कह सकते हैं कि इस रूट पर बसेस की फ्रीक्वेंसी हर 5 मिनट में एक बस है, या ये कह सकते हैं कि 12 बसेस हर घंटे में यहां आती हैं। चलिए थोड़ा सा एडवांस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि यहां हमारे पास एक पेंडुलम है जो मीन पोजिशन पर है। जब इसे ऑसिलेटरी मोशन में सेट किया जाता है तो ये अपनी मेन पोजिशन से राइट और लेफ्ट हिलने लगती है। हम ये कब कह सकते हैं कि ये एक वाइब्रेशन पूरा करता है? चलिए इसे स्लो मोशन में देखते हैं। ये एक वाइब्रेशन तब पूरा करता है जब ये मीन पोजिशन से इस पॉइंट तक हिलता है जो राइट की ओर है, और फिर ये मीन पोजिशन को पार करता है इस पोजिशन तक जो कि लेफ्ट की ओर है, और अंत में मीन पोजिशन पर वापस आ जाता है। जी हाँ, अब एक वाइब्रेशन पूरा हो चुका है। हमें वाइब्रेशन को अच्छे से समझने की जरूरत है। ये शुरुआत में मीन पोजिशन पर होता है, फिर राइट की ओर जाता है, फिर लेफ्ट की ओर, और फिर वापस मेन पोजिशन पर आ जाता है। ये एक वाइब्रेशन है। ये 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस पूरे करता है? इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस की मात्रा है 1 सेकंड में जब उसे ऑसिलेटरी मोशन में सेट किया जाता है। इसे हर्ट्स में मेजर किया जाता है और इसे ऐसा लिखा जाता है। हम 1 हर्ट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 वाइब्रेशन पर सेकंड 1 हर्ट्स होता है। तो अगर ये पेंडुलम 1 सेकंड में 2 बार वाइब्रेट होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये 2 हर्ट्स होगी। उसी तरह अगर ये पर सेकंड में 3 बार वाइब्रेट होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्स होगी। हमने पहले कहा था कि फ्रीक्वेंसी साउंड की पिच को डिफाइन करती है, लेकिन साउंड की पिच क्या होती है? पिच साउंड की परसेप्चुअल प्रॉपर्टी है जो हमें ये पहचानने में मदद करती है कि साउंड ज्यादा है या कम है। जी हाँ, ये ऐसा कुछ है जिसे बस परसीव किया जा सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक पियानो है और हम कीज के इस सेट को देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड की तरफ जो की है उसे प्रेस कीजिए, और फिर एक की जो राइट हैंड की तरफ है उसे प्रेस कीजिए। क्या आप साउंड में कुछ फर्क देख सकते हैं? लेफ्ट की कीज से आने वाली साउंड कम है और राइट से आने वाली साउंड ज्यादा है। जब हम लेफ्ट साइड के किसी भी कीज को प्रेस करते हैं तो हमें कम पिच पर साउंड सुनाई देती है, और जब हम राइट साइड के किसी भी कीज को प्रेस करते हैं तो हमें ज्यादा पिच पर साउंड सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोअर एंड कीज को प्रेस करते हैं तब पियानो के अंदर स्ट्रिंग्स कम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होते हैं, और जब हम हायर एंड कीज को प्रेस करते हैं तब ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होते हैं। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पिच, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी कम पिच। एक जरूरी नोट, साउंड के लाउडनेस के साथ ज्यादा और कम साउंड्स को रिलेट करने का प्रयास ना करें। ये सब अलग हैं। तेज साउंड की पिच कम हो सकती है और कम साउंड की पिच ज्यादा हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर ब्लैक बोर्ड पर चौक से होने वाली साउंड की पिच ज्यादा होती है लेकिन ड्रम के साउंड के मुकाबले में कम होती है। ड्रम की पिच कम होती है लेकिन लाउडनेस ज्यादा होती है। चलिए अब एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं। हम यहां एक पेंडुलम का एग्जाम्पल लेते हैं। हर वाइब्रेशन में ये स्टार्टिंग पोजिशन से कुछ दूरी कवर करता है। ये दूरी समय के साथ कम हो जाती है और अंत में बॉब वाइब्रेट होना बंद हो जाता है। इस मैक्सिमम दूरी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। जी हाँ, एक बॉब द्वारा उसकी मीन पोजिशन से ट्रैवल की गई मैक्सिमम दूरी को एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कहा जाता है। तो इस केस में ये दूरी एम्पलीट्यूड होगी। नोट कीजिए कि दूरी जो हम मेजर कर रहे हैं वो मीन पोजिशन से है, कहीं और से नहीं है। पेंडुलम की जगह अगर हम एक ट्यूनिंग फोक लें तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि एक ट्यूनिंग फोक का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा? जी हाँ, इसका एम्पलीट्यूड इसकी मीन पोजिशन से इसकी टाइन्स की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। जब हम एक ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करते हैं तो हमें इसकी वाइब्रेटिंग टाइन्स से प्रोड्यूस हुई साउंड सुनाई देती है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे ज्यादा फोर्स से वाइब्रेट करें? तो हमें एक तेज साउंड सुनाई देगी। आप देख सकते हैं कि टाइन्स ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं। यहां एक इंटरेस्टिंग चीज है, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा साउंड की लाउडनेस भी उतनी ही ज्यादा होगी। जी हाँ, तो अगर ट्यूनिंग फोक ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होता है तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी। तो अगर साउंड तेज है तो इसका मतलब कि एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और अगर साउंड कम है तो इसका मतलब कि एम्पलीट्यूड कम है।
साउंड की लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होती है। अगर एम्पलीट्यूड दुगना हो जाता है तो लाउडनेस 4 गुना हो जाती है। अगर एम्पलीट्यूड ओरिजिनल का 3 गुना है तो लाउडनेस 9 गुना हो जाती है। इस सेक्शन में डिस्कस करने के लिए एक और जरूरी कॉन्सेप्ट बचा है और उसे टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशंस कहते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट एक ऑसिलेशन 1 मिलीसेकंड में पूरा करता है तो यहाँ टाइम पीरियड 1 मिलीसेकंड होगा। अगर वो एक ऑसिलेशन 10 मिलीसेकंड में पूरा करता है तो यहाँ टाइम पीरियड 10 मिलीसेकंड होगा। चलिए आज पढ़े हुए सभी कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करते हैं। हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की, जो वाइब्रेशंस की मात्रा है पर सेकंड में, जब एक ऑब्जेक्ट को वाइब्रेटरी मोशन में सेट किया जाता है। ये पिच को निर्धारित करता है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम दूरी है जो एक बॉडी उसकी मीन पोजीशन से कवर करती है जब उसे वाइब्रेटरी मोशन में सेट किया जाता है। और टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन या वाइब्रेशन को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट द्वारा लिया गया टाइम है।